हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो, दिस इज़ क्रिस नागवंशी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम प्रोनाउन पार्ट टू की डिस्कस करेंगे। मैंने आपको प्रोनाउन की पार्ट वन में बताया था कि प्रोनाउन में कैसे पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें आपको बताया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, फिर मैंने आपको बताया था पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं, और उनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराई थी। आज बात करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बट ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। लेकिन जो मैं आज आपको तरीका बता रहा हूँ, यदि आप समझ गए मेरी बातों को, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम ईच, ईदर और नीदर के यूज़ करते हैं, बट साथ ही में हमें इन तीनों का भी यूज़ पढ़ना है, जो कि एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। अब इनका हम एक एक करके यूज़ समझते हैं। ओके, सबसे पहले हम यूज़ समझते हैं ईदर और नीदर का। ईदर और नीदर का यूज़ समझते हैं, जिसको आप आइदर और नाइदर भी पढ़ते हैं, इट्स ओके। तो आइदर का यूज़ हम कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखिए, आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ टू मतलब ये कि दो दिया होगा, दो में से एक को चूज करना होगा। तो ईदर का यूज़ किसके लिए करेंगे? दो में से एक के लिए। ध्यान देंगे, ईदर का यूज़ करेंगे दो में से एक के लिए। इसी तरह यूज़ करेंगे हम नाइदर का। नाइदर का यूज़ करेंगे दो में से जीरो के लिए, मतलब दो में से किसी के लिए भी नहीं, सिर्फ दो ही व्यक्ति होंगे। दो पर्सन हो सकती है, दो वस्तु हो सकती है, कुछ भी दो हो। आपके सेंटेंस में ऐसा आपको मैसेज मिलेगा जिसमें दो दिया होगा, और दो में से किसी एक के लिए भी नहीं होगा, किसी को भी मतलब किसी एक के लिए भी नहीं होगा। तो वहां पास आप किसका यूज करेंगे? नाइदर का यूज करेंगे। फिर से आप समझिएगा, आइदर और नाइदर का यूज दो में से एक के लिए होता है, बट नाइदर का यूज होता है दो में से जीरो के लिए, मतलब किसी के लिए भी नहीं। नाइदर का किसके लिए होता है? दो में से एक के लिए। अब आपको कुछ चीजें और समझनी है कि आइदर का यूज कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। आइदर का यूज कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, मतलब अगर लिखा है कहीं आइदर ऑफ और सेंटेंस आगे का दिया है और उसमें नॉट वर्ड का यूज है, नॉट हो या फिर नेवर हो, ऐसा कोई भी वर्ड जिससे नेगेटिव मैसेज मिले, तो वहां पास फिर आइदर ऑफ का यूज नहीं करेंगे। यानी हेल्पिंग वर्ब यदि नेगेटिव है, कैन नॉट है, हैज नॉट है, तो वहां पास फिर आइदर ऑफ का यूज आप नहीं करोगे। ठीक इसी तरह नाइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद भी सेंटेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि नाइदर तो नेगेटिव मैसेज ही देता है। जो नीदर है वो क्या देता है? नेगेटिव मैसेज ही देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आइदर के साथ कभी भी नॉट वर्ड, नेवर वर्ड का यूज नहीं होगा, और नाइदर के साथ भी कभी भी नॉट वर्ड का यूज नहीं होगा। या ये हम कह सकते हैं, ये दोनों जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, बट नाइदर जो नेगेटिव मैसेज देता है, आइदर पॉजिटिव मैसेज देता है, बट सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होंगे। और क्या चीज़ें आपको इनसे रिलेटेड ध्यान देनी है? और ध्यान ये देनी है कि आइदर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्यूरल होगा, बट जो हेल्पिंग वर्ब आएगी और जो पजेसिव प्रोनाउन आएगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। ध्यान दीजिएगा, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे वो नाउन आएंगे जो प्यूरल होंगे, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, और आगे का जो पजेसिव प्रोनाउन बनेगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। आगे हम सेंटेंस में प्रैक्टिस करेंगे, फिलहाल आपको इतनी सारी बातों को ध्यान में रखना है। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद जो नाउन होगा प्यूरल नाउन होगा, बट हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, और जो पजेसिव होगा वो भी सिंगुलर होगा। ओके, इतना आपको समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं हम ईच ऑफ का और आगे के भी। अब ईच आपका समझिए, ईच आपका वन आउट ऑफ गिवेन, वन आउट ऑफ गिवेन का मतलब ये हुआ कि जितने भी दिए होंगे दो में से ज्यादा दिए होंगे, क्योंकि दो होगा तो फिर आइदर वन आइदर का यूज कर देंगे, दो दिया होगा। तो ईच ऑफ का यूज किसके लिए करते हैं? दो में से ज्यादा, दो में से ज्यादा में से एक के लिए, मतलब दो में से ज्यादा में से एक के लिए। आप बात को समझिए, अगर दो दिया होगा तो फिर तो आप आइदर ऑफ का यूज कर दोगे ना। दो से ज्यादा दिया होगा मतलब फोर फाइव सिक्स या फिर बहुत सारे लोग दिए होंगे, वहां आपको जब एक को चूज करना होगा तो आप ईच ऑफ का यूज करेंगे। अब ईच ऑफ की प्रॉपर्टी भी समझ लीजिए, ईच ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्यूरल नाउन होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है,
और आगे का जो भी पजेसी बनेगा वो सिंगुलर बनेगा, आगे हम सेंटेंस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि ईच ऑफ का यूज जो हम करेंगे वो दो में से ज्यादा में से एक के लिए। अब बात करते हैं बोथ का, तो बोथ का यूज केवल दो के लिए होगा, बोथ का यूज केवल दो के लिए होगा। और बोथ के बाद आपका नाउन भी प्यूरल रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी प्यूरल रहेगी और आपका पजेसिव भी प्यूरल रहेगा। अब क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिए हम बात करें वॉज और वर्ब में, तो बोथ के बाद नाउन भी प्यूरल रहेगा, बॉय की जगह बॉयज रहेगा, और वॉज और वर्ब में अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब चूज करना हो तो वर्ब का चूज करेंगे, और पजेसिव चूज करना होगा तो हिज की जगह हम देयर का यूज करेंगे। तो बोथ आपके पास सब कुछ क्या रहेगा, प्यूरल रहेगा, नाउन, हेल्पिंग वर्ब, पजेसिव, सब कुछ प्यूरल रहेगा। अब बात करते हैं एनी वन ऑफ की। एनी वन ऑफ का मतलब ये होता है, एनी वन ऑफ का मतलब ये है वन आउट ऑफ गिवेन, मतलब इसका भी यूज सेम है जैसे इज का यूज करते हैं वैसे एनी वन ऑफ का यूज भी करते हैं। इसमें ये रहेगा कि दो में से ज्यादा में से एक के लिए, मतलब कि दो में से ज्यादा में से एक के लिए, मतलब ज्यादा दो से ज्यादा लोग होंगे बट चूज हम एक को ही करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी समझ लीजिए, इसके बाद जो नाउन आता है वो क्या आता है, प्यूरल आता है, बट हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहते हैं, पजेसिव भी क्या रहता है, सिंगुलर रहती है। इसी तरह नन आपका यूज करते हैं आउट ऑफ गिवेन, मतलब दो में से ज्यादा में से कोई भी नहीं, मतलब दो में से ज्यादा में से कोई भी नहीं, मतलब कि दो से ज्यादा दिए होंगे बट चूज हम किसी को भी नहीं करेंगे। सो ओके, इतना आपको समझ में आया। अब अगर आप इतना समझ गए हो तो आगे आपको जितने भी एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा वो आपको एकदम क्लियर होंगे। तो चलिए एग्जाम्पल्स करते हैं, प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है ईच ऑफ बुक इज इंपॉर्टेंट, ईच ऑफ बुक इज इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको बताया था ईच ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो क्या रहता है, प्यूरल, तो बुक क्या दिया हुआ है, सिंगुलर, तो बुक की जगह किसका यूज करेंगे हम, बुक्स का यूज करेंगे। ये क्लियर करते हैं, तो यहाँ पास क्या होगा, बुक नहीं होगा, बुक्स होगा। फिर इसके बाद इज दिया है, सही दिया है, इज सिंगुलर होना चाहिए, आगे का पजेसिव तो दिया नहीं, तो क्या सेंटेंस बनेगा, ईच ऑफ बुक इज इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्या होगा, ईच ऑफ बुक्स इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज सही दिया हुआ है, आइदर ऑफ के बाद भी नाउन क्या रहना चाहिए, प्यूरल रहना चाहिए। फिर हैव कम टू क्लास, देखिए यहाँ पास हैव नहीं होगा, हैव की जगह हम हैज़ के यूज़ करेंगे, क्योंकि आइदर ऑफ के बाद, क्योंकि आपको पता है कि आइदर ऑफ के बाद हम किसका यूज़ करते हैं, सिंगुलर का, तो सिंगुलर में किसका यूज़ करेंगे हम, हैज़ के यूज़ करेंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइदर ऑफ द बॉयज़ हैव रेड देयर बुक्स, फिर क्वेश्चन हो गया, आइदर आपके बाद बॉयज़ दिया हुआ है प्यूरल, जो कि सही है। अब देखिए यहाँ पास हैव दिया है प्यूरल, हैव प्यूरल दिया है तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि हमें चाहिए सिंगुलर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आइदर अब नाइदर के बाद नाउन क्या रहेगा हमारा, प्यूरल रहेगा, बाकी सारी चीज़ें क्या रहेगी, सिंगुलर में, तो देयर क्या है, प्यूरल है, तो देयर की जगह किसका यूज़ करेंगे हम, हिज का यूज़ करेंगे। तो क्या सेंटेंस बनेगा, आइदर ऑफ द बॉयज हैज रेड हिज बुक्स। अब आइए नाइदर ऑफ में, नाइदर ऑफ पांडवास वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैटल ऑफ पानीपत। अब देखिए पांडवास दिया है, पांडवास में आपको पता है पांच लोग थे, ठीक है ना, अब पांच के लिए हम आइदर ऑफ नाइदर ऑफ का यूज तो करते ही नहीं है। ओके, तो फिर यहाँ यूज हम किसका करेंगे, क्या यहाँ एनी का यूज कर सकते हैं, एनी का यूज कर सकते हैं, एनी का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एनी का यूज कर देंगे तो मैसेज बदल जाएगा, यहाँ पास नाइदर यानी कि नेगेटिव मैसेज जाना है, तो नेगेटिव के लिए हम किसका यूज करेंगे, नन का यूज करेंगे, नन यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, None of the Pandavas were responsible for the battle of Panipat. अब मैसेज में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पास एनी का भी यूज हम कर सकते थे, बट एनी का यूज इसलिए नहीं करेंगे कि एनी पॉजिटिव मैसेज देगा, और नन का यूज करेंगे तो नन भी नेगेटिव मैसेज देता है और नाइदर भी नेगेटिव मैसेज देता है, तो यहाँ पास हम नन ऑफ का यूज करेंगे। और नन के बाद हेल्पिंग वर्ब जो होती है प्यूरल भी आती है, सिंगुलर भी आती है। सो ओके, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नन के पास सिंगुलर भी आता है, हेल्पिंग वर्ब प्यूरल भी आती है, तो सेंटेंस बनेगा नन ऑफ द पांडवास वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैटल ऑफ पानीपत। सो ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहां पास दिखा है आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर अलाउड टू टेक देयर लंच बॉक्स। मैंने आपको बताया आइदर के बाद नाउन क्या होना चाहिए, प्यूरल, सही दिया है। यहाँ पास जो हेल्पिंग वर्ब दिए प्यूरल दिए, तो आर की जगह किसका यूज होगा, इज का यूज होगा, ये करेक्ट कर दिया। अब
आगे जितने भी हैं वो सब सिंगुलर होंगे, तो देयर क्या दिया है, प्लूरल, तो देयर की जगह किसका यूज करेंगे, हिज का, तो क्या बनेगा, आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज अलाउड टू टेक हिज लंच बॉक्स। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइदर ऑफ यू इज नॉट होप्ड हियर, आइदर ऑफ यू इज नॉट होप्ड हियर। मैंने आपको बताया था कि आइदर ऑफ का यूज जब होता है तो सेंटेंस क्या नेगेटिव होता है, नहीं, सेंटेंस हमेशा किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है। तो पहली बात, सेंटेंस नेगेटिव दिया है तो यहाँ पास तो आइदर ऑफ का यूज़ हम नहीं करेंगे। आइदर ऑफ के बाद नाउन प्यूरल दिया है, देखिए यू का यूज़ हम एक के लिए भी करते हैं और एक से ज़्यादा के लिए भी करते हैं, तो एक से ज़्यादा यानी कि दो के लिए करते हैं, तो यहाँ पास दो के सेंस में आ रहा है। तो इसको करेक्शन कैसे करेंगे, करेक्शन करेंगे यहाँ पास से आप नॉट को हटाओगे, नॉट को हटाओगे और आइदर ऑफ की, आइदर ऑफ की जगह आप यूज़ करोगे नाइदर ऑफ, तो आपका मैसेज सेम जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ यू इज होप्ड हियर, अब आपका करेक्शन सही हो जाएगा। तो एरर कहाँ थी यहाँ पास, एरर थी हमारी ईदर ऑफ, ईदर ऑफ की जगह यहाँ यूज होगा नीदर ऑफ, बट नॉट का यूज़ हम फिर नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, आइदर ऑफ माई फ्रेंड्स हैव सबमिटेड देयर बुक्स, आइदर ऑफ आया, माई फ्रेंड्स आया, इट्स ओके, माई फ्रेंड्स आया मतलब कि हम बात कर सकते हैं कि दो के लिए हो रहा होगा। अब यहाँ पास देखिए हैव, अगर एक एरर यहाँ पास देखें तो आइदर ऑफ का भी यूज़ यहाँ नहीं होगा क्योंकि बात फ्रेंड्स की कर रहा है और यहाँ पास डिसाइड नहीं है कि दो लोगों के लिए है, ठीक है, और आइदर ऑफ नॉइदर का यूज़ हम दो के लिए करते हैं, तो यहाँ पास हम ईद आइदर ऑफ का यूज़ तो करेंगे ही नहीं, आइदर ऑफ का यूज़ हम नहीं करेंगे। आइदर की जगह किसका यूज़ करेंगे हम, आइदर की जगह यूज़ करेंगे हम एनी का, एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, अब एनी ऑफ माई फ्रेंड्स अब यहाँ सही हुआ। अब हैव की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे क्योंकि आगे सब सिंगुलर होगा, और देयर की जगह क्या आएगा यहाँ पास, ही जाएगा, तो क्या बनेगा, एनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ सबमिटेड हिज बुक, ओके, तो ये यहाँ पास करेक्शन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ईदर ऑफ यू टुगेदर कैन डू दिस वर्क, एक बात बताइए, ईदर ऑफ यू टुगेदर, तुम दोनों एक साथ, पहली बात तो आइदर ऑफ का यूज दोनों में से एक के लिए होता है ना कि दोनों में से साथ के लिए, और टुगेदर का हम किसके लिए करते हैं, टुगेदर साथ साथ, तो यहाँ पास क्या सही रहेगा, आइदर ऑफ की जगह यदि आप बोथ ऑफ यूज करोगे तो आपका मैसेज सही जाएगा, बोथ ऑफ यू टुगेदर कैन डू दिस वर्क, अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। अब बोथ के साथ आप टुगेदर का यूज़ कर सकते हो क्योंकि दोनों साथ साथ का मैसेज दे रहा है, तो यहाँ पास आइदर ऑफ गलत था। अब देखिए, बोथ ऑफ देम हैज़ डन हिज बेस्ट, यहाँ क्या गलती, मैंने आपको बताया था कि बोथ आपके बाद आगे का नाउन हेल्पिंग वर्ब और पजेसिव सब क्या रहता है, प्यूरल रहता है, तो हैज़ की जगह यहाँ किसका यूज़ करोगे आप, हैव का यूज़ करोगे, और यहाँ पास हिज की जगह किसका यूज़ करोगे आप, देयर का यूज़ करोगे, क्योंकि सब कुछ आपको क्या लेना है, प्यूरल लेना है, तो क्या सेंटेंस बनेगा, बोथ ऑफ देम हैव डन देयर बेस्ट। अब देखिए, बोथ ऑफ दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल, अब आपको एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है कि बोथ आपके बाद कभी भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं होता है, बोथ ऑफ के बाद सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो उसमें बोथ आपका यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका करेक्शन आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, आप मैसेज आपका सेम जाएगा, मतलब आप करेक्शन ऐसे करो कि मैसेज बदलने ना पाए, मैसेज इधर बोथ ऑफ दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल, मतलब दोनों बुक जो हैं यूजफुल नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप यहाँ से नॉट को हटाओगे और बोथ आपकी जगह आप किसका यूज़ करोगे, नाइदर ऑफ, तो क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ दीज बुक्स आर यूजफुल, ठीक है, आप नाइदर कभी यदि यूज़ नहीं करना है, नाइदर का भी यूज़ नहीं करना है तो आप नन ऑफ का भी यूज़ कर सकते हो, नन ऑफ दीज बुक्स आर यूजफुल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नाइदर का यूज़ तो हम दो दो के लिए करते हैं, ठीक है ना, तो आप नन ऑफ का यूज़ कर दिए, तो एरर तो हमारी यहीं पास हो गई ना, पहले वाले में ही एरर, बोथ आपका यूज़ तो होगा नहीं नेगेटिव के लिए, तो आप यूज़ करोगे नन ऑफ दीज बुक्स आर यूजफुल, ये भी आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज बुक्स और यूजफुल। अब आपको पता है नन के बाद आप आर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप नीदर आप का यूज़ करोगे तो फिर आर का यूज़ नहीं करोगे, फिर आप किसका यूज़ करोगे, इज़ का यूज़ करोगे, तो दोनों में आपको ध्यान रखना है, नन ऑफ का यूज़ कर रहे हो तो आप आर यूज़ कर सकते हो, बट आप अगर
नाइदर ऑफ यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको यहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा। तो एग्जाम्स में कोई एक ही एरर पूछेगा, ज़्यादा एरर पूछेगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर देखते दिया, ईदर ऑफ दोज बुक्स वर नेवर यूज्ड, ईदर ऑफ, ठीक। मैंने आपको बताया था कि आइदर ऑफ को जब यूज़ करते हैं तो सेंटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। देखिए यहाँ पास नेवर यूज़ है, तो हम कैसे करेक्शन करेंगे, आइदर ऑफ की जगह हम यूज़ करेंगे नाइदर ऑफ। किसके यूज़ करेंगे, नाइदर ऑफ। अब नाइदर ऑफ को जब यूज़ करेंगे हम, नाइदर ऑफ को जब यूज़ करेंगे तो नेवर नहीं, नेवर में हट जाएगा। अब नेवर में से क्या हटेगा, ये एन हटेगा, तो एवर बचेगा, एवर बचेगा। तो क्या हो जाएगा, यानी एन को हटा के आप यहाँ लगा दोगे तो हो जाएगा नाइदर ऑफ दोज बुक्स वर एवर यूज्ड, ये मैसेज जाएगा। ओके चलिए देखिए नेक्स्ट, एनी ऑफ दीज टू बॉयज इज़ योर ब्रदर। पहली बात तो एनी का यूज़ दो के लिए करते ही नहीं है, करते नहीं है, तो एनी ऑफ की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, आइदर ऑफ, आइदर ऑफ का यूज़ करोगे तो क्या बनेगा, आइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज़ योर ब्रदर। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है आइदर ऑफ द फाइव मैन, फिर आ गया आइदर ऑफ फाइव मैन, आइदर ऑफ को तो दो लोगों के लिए करते हैं, फाइव मैन दिया है, विल डू योर वर्क सक्सेसफुली। ओके तो अब आपको यहाँ करेक्शन क्या करना है कि आइदर ऑफ का यूज़ तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि आइदर ऑफ का दो के लिए करते हो तो यहाँ किसका यूज़ करोगे आप, आइदर ऑफ का यूज़ नहीं करोगे तो यहाँ किसके लिए करोगे आप, यहाँ यूज़ कर सकते हो एनी ऑफ, एनी ऑफ द फाइव मैन विल डू योर वर्क सक्सेसफुली, फिर आपका मैसेज सही जाएगा। ओके फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ देयर ऑन रूम, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ देयर ऑन रूम, ईच ऑफ द बॉयज, आप ईच की जगह यूज ईच ऑफ द बॉयज कर सकते हो, ये सही है, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ भी सही है, लेकिन यहाँ पास एरर क्या है, देयर की जगह आप यूज़ करोगे हिज का, क्योंकि ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल रहता है बट हेल्पिंग वर्ब और पजेसिव क्या रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। सो के स्टूडेंट्स, तो ये थे आज हमने प्रोनाउन में आपको पढ़ाया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसमें हमने आपको ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, बोथ ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ का यूज़ बताया है। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे और लाइक करेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।